नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अचानक कुछ घंटे पहले उनका धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम राला मंडल में दौरा तय हुआ। तकरीबन 6 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राला मंडल पहुंचे। सड़क दुर्घटना में किसान के परिवार सहित 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। शोकाकुल परिवार के मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचते ही सबसे पहले दिवंगत पिता पुत्र को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात दिवंगत किसान की पत्नी व दिवंगत किसान के पुत्र की पत्नी से घर में मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री का वहां पर संवेदनशील चेहरा सामने आया। मुख्यमंत्री ने दोनों महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहन चिंता मत करना, तुम्हारा भाई है, हर संभव मदद करेंगे। वही दोनों महिलाओं को 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। आपको बता दें कि विगत दिनों मंडी में ट्राली में भरकर गेहूं ले जाते समय गेहूं की ट्रॉली की हाइड्रोलिक खराब होने से गेहूं सड़क पर बिखरने से किसान व किसान का पुत्र व अन्य लोग गेहूं को समेट रहे थे। उस दौरान एक आयशर वाहन ने उक्त चारों व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राला मंडल स्थित गांव में उक्त मृतक किसान के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार के पास पहुंचकर संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान के 3.5 वर्ष के पुत्र के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत मदद देने की बात भी कही। वही उन्होंने रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री के जाने के बाद किसान की पत्नी व बहू ने मुख्यमंत्री का आभार माना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका भाई है और हमें विश्वास है कि आगे भी वो हमारी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। ये मैं आया हूँ, थोड़ी चिंता करने, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना। ओ दीदी, हां जगत मामा, हम सब के पढ़ के ही आया मैं, तैयार करना है। अरे लिखे होंगे, अरे भी कागज ले ले, अपना भी कागज दे दीजिए, सर्टिफिकेट स्कूल वाला फॉर्म, अपना तारीख की परीक्षा थी, इसमें परमानेंट व्यवस्था करेंगे परिवार से। आप बेटे परिवार का सहारा ही छिन गया है साहब, आदमी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। ये दोनों की मदद कर दिए, थोड़ा सा आपका वो दूसरे मैं भाई हूँ तुम्हारा, इसका कोई नहीं, मैं तो हूँ। हाँ बोल दिया था, प्रियंका है मैं तो हूँ उसके लिए, काहे को चिंता करते, और अब कोई आंखों में आंसू की जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया, वापस नहीं ला सकते। तुम्हारा भैया है, तुम्हारी चिंता करेंगे, ठीक है। हमारा निवेदन ये 12वीं तक पढ़ी लिखी, अब मैं ऐसे हूँ विषय तक मैं शामिल हो गया, हमारी व्यवस्था कर, चलो चिंता मत। सर वो दोनों लोग यहाँ जो दूसरे गाँव के डीजे, अरे माइक तो वही नहीं, कोई हुई, अरे सब ले वहाँ पे शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे भैया, आराम से। मुझे जानकारी मिली और पढ़ा तो मेरा मन विचलित हो गया। अगर गेहूं फैल गया था तो सकेल ने बाप बेटा भी गए थे, दो साथी भी गए थे, और उनको फिर रौन दिया गया, एक्सीडेंट में वो चले गए।
एक बहन है जो छोटे से बेटे को लेके ऐसे दुख को झेल रही है। दूसरी बहन से भी मैं मिल के आया हूँ और मैं उनका अभिभावक हूँ। अगर पति नहीं है और कोई सहारा नहीं है तो भाई है, इसी भाव से मैं आया हूँ। मुझे बहुत वेदना थी और मुझे लगा कि इस परिवार से मिलने चाहिए मुझे। हम बहन के स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे, अभी तात्कालिक सहायता भी कर रहे हैं। दोनों बहनों की तात्कालिक सहायता भी की है और दो और जो साथी चले गए उनकी भी की है, लेकिन ये कोई एहसान जताने का मामला नहीं है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। जायसवाल परिवार में भी मैं गया था, वहाँ भी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई थी। बच्चे के इलाज इंदौर में हो रहा है, उसका पूरा इलाज हम करवाएंगे, निःशुल्क करवाएंगे, परिवार को कोई दिक्कत ना हो इसकी कोशिश करेंगे। अपना मध्य प्रदेश अपने लिए पूरा परिवार है और जहाँ ऐसी घटना हो जाए कि परिवार के किसी सदस्य को सहयोग की और सहारे की जरूरत पड़े तो वो बनना चाहिए मुख्यमंत्री को भी, सरकार को भी। ये जो छोटा बेटा है इसको जो हमारी एक योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है उसमें सम्मिलित करके इसकी पेंशन भी बन पाएंगे और कोशिश करेंगे इनका दुख कम कर सके। मुख्यमंत्री आपसे मिलने के लिए आए थे, आपको आश्वासन दिया कि आपका भाई है, क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे बस सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं रहा। मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरे पेट में आशा है 3-4 महीने। मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर जिंदगी अच्छी नहीं मिली तो मेरे पीछे इसको अच्छी जिंदगी मिले। बस मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है आपको? दिया है, उन्होंने वादा भी किया है कि उनकी वजह वो अब मतलब मेरे लिए बहुत सहायता करेंगे। अभी आपको चेक भी दिया? हाँ दिया है। क्या कहोगी? अच्छा लगा वो आए, मिल के गए और हमारी सहायता मतलब इतनी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, नाम बता दो। मेरा नाम मोनिका है, मोनिका नवदीप सिसोदिया। आपका नाम? कौशल्या शिशु। मुख्यमंत्री मिलने आए थे आपसे? थोड़ा जोर से बोलो। आए थे? क्या बोलोगी? आए थे मुख्यमंत्री जी, हमको अच्छे से आशीर्वाद दे के गए है, वो हमारे साथ है, वो हमारे भाई बन के हमको ले के चलेंगे, आगे मेरी बहू को अच्छे से लाइन पे लगाएगा और हमारा बुढ़ापा सुधारेगा। विश्वास है आपको? विश्वास। आपकी मदद करने का भरोसा दिया? भरोसा दिया। आज आपको चेक भी दिया? हाँ दिए, चेक भी दिए, हाथ में दे के गए, मेरे भाई जैसे आए थे मेरे सामने बैठे, हल्की पलकी मांड के दोनों को आशीर्वाद दे के गए अच्छे से, हमको अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नाम आपका? कौशल्या शिशुद्या, पति का नाम मुन्नालाल। ठीक,